सदगुरु प्यारी साध संगत जी, आप सभी को प्रेम भरी राधा। स्वामी जी, साध संगत जी, देखिए असल में हम हैं कौन, हमारी पहचान क्या है, हमारा अस्तित्व क्या है, यानी कि यह प्रश्न हर एक के मन में उठता है और उठना भी चाहिए, क्योंकि स्वयं की खोज ही उस परमात्मा की खोज है। जब हम स्वयं की खोज में निकलेंगे तो वह परमात्मा अपने आप हमें दिव्य दर्शन दे देगा जी। तो देखिए, हमें चाहिए कि हम स्वयं की खोज करें, और जब स्वयं की खोज करने बैठ गए तो देखिएगा, हमें वह सब अनुभव होगा और वह सब दिखाई देगा जो उस कुल मालिक ने हमारे लिए हमेशा संभाल कर हमारे अंदर रखा है। अब देखिएगा, स्वयं की खोज हम कर किस तरह से सकते हैं, तो हमारे प्यारे बाबा जी हमेशा हमें सत्संग में समझाते रहते हैं कि स्वयं की खोज करना है तो हमें चुप होकर ध्यान में बैठ जाना है, और ध्यान हमें उस कुल मालिक का करना है। वो जब हम ध्यान में बैठते हैं तो हमारा जो मन है उसको दोनों आंखों के बीच में टिकाना है, वो धीरे धीरे सुमरन को अभ्यास में निरंतर बढ़ते जाना है। जैसे जैसे हम हमारे ख्याल को दोनों आंखों के बीच में टिकाएंगे, वो सुमरन निरंतर करते चले जाएंगे, ऐसे ऐसे हमारी रूहानी तरक्की बढ़ती चली जाएगी, और धीरे धीरे हम क्या देखेंगे, हम इस संसार यानी कि सूर्य, पृथ्वी, चंद्रमा सभी को पार करते हुए उस रूहानी रास्ते पर आगे बढ़ते चले जाएंगे, और फिर हम उस कुल मालिक के दिव्य दर्शन कर पाएंगे। साध संगत जी, देखिए उस कुल मालिक को देखने का रास्ता बड़ा ही आसान है, लेकिन मेहनत बहुत ज़्यादा करनी पड़ती है। अब हम सभी जो दुनिया के लोग हैं वहाँ बाहर उस परमात्मा की खोज करते हैं, लेकिन देखिए उस कुल मालिक ने यह दुनिया बनाई और दुनिया बनाकर वहाँ इंसान के अंदर जाकर बैठ गया। अब हम ढूंढते बाहर हैं, लेकिन वहाँ बैठा हमारे स्वयं के अंदर है। वहाँ जिसे भी मिला है, जब भी मिलेगा, स्वयं के अंदर मिलेगा। इसलिए हमें चाहिए कि हमें कुल मालिक के द्वारा जो बताया हुआ रास्ता है, यानी भजन सुमरन को पूरा वक्त देना है, वो धीरे धीरे सुमरन को समय बढ़ाते हुए हमें अंदर के दिव्य दर्शन करना है, और जो जो हम सुमरन बढ़ाते जाएंगे धीरे धीरे हमारा मन एकाग्र होता चला जाएगा, और मन जब एकाग्र हो गया तो वहाँ भजन में अच्छे से लग पाएगा, और भजन में जैसे जैसे हम समय बढ़ाएंगे हमें वह दिव्य धुन सुनाई देने लग जाएगी। फिर जब हमें दिव्य धुन सुनाई देने लग गई तो समझिए कुल मालिक हमारे स्वयं के अंदर प्रकाश और धुनात्मक रूप में प्रकट हो गया है। उसके लिए हमें कहीं भी घर छोड़ना नहीं, परिवार छोड़ना नहीं, हमें सिर्फ चुप होकर मन को एकाग्र करके भजन में बैठ जाना है, फिर हमें वह सब कुछ मिलेगा जिसके हम असली हकदार हैं। सत्संग जी, हमारे प्यारे बाबा जी जब भी सत्संग देने व दर्शन देने आते हैं तो हमें बड़े ही प्रेम से दर्शन देते हैं, और हम दर्शन भी करते हैं, और दर्शन देखने का उनका मुख्य उद्देश्य यही होता है कि जो हम दर्शन कर रहे हैं उसका हमें अंतर्मन में वह नूर दिखाई देना चाहिए, वहाँ प्रभाव दिखाई देना चाहिए, क्योंकि बाहरी जो दर्शन है वहाँ हमारे लिए सिर्फ एक माहौल है, बाकी हमें जब तक अंदर दर्शन और धुन नहीं सुनाई देगी हमारा मकसद पूरा नहीं, यानी कि हम हमारे उद्देश्य में पूर्ण नहीं हो पाएंगे। जिस दिन हमारे अंदर उस संत सदगुरु के नूरी स्वरूप के दर्शन हो गए, वो कुल मालिक के घर से आ रही शब्द धुन की जो झनकार है हमारे कानों में आ गई, तो समझ लीजिएगा हमारे आवागमन से मुक्ति का रास्ता साफ हो चुका है जी, और हम बहुत जल्दी उस कुल मालिक के घर, अपने निज वतन, अपने पिता के घर पहुंच सकते हैं जी। साथ संगत जी, इसी के साथ अपनी वाणी को विराम देते, फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक आप जी अपना और अपनों का ध्यान रखें। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर ले, जिससे कि आपको ऐसे वीडियो मिल सके जी। अंत में आप सभी को प्रेम भरी राधा। स्वामी संत सदगुरु प्यारे बाबा जी, आप सभी पर मेहर बनाए रखे जी। धन्यवाद।